बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस अब हम लेबर इंस्पेक्टर लेबर ऑफिसर का पार्ट टू डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी क्लब आईडी लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिसर का पार्ट वन डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है, व्हेन डिड एवन एंट्री एजेक्ट द पाकिस्तान आर्मी बेस इन विच वर 40 सोल्जर्स एंड सिविलियंस कॉन्ट्रैक्टर्स मार्टर्ड एंड द ये ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 7 अप्रैल 2012। क्वेश्चन नंबर 52, द यूएन चार्टर वाज साइंड इन, जो यूएन का चार्टर था वो साइंड इन 19 जून 1942 में साइन हुआ था और इन्फोर्स हुआ था अक्टूबर 1945 में। लिहाजा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के मुताबिक वो है जून 1945। हिस्ट्री रिटन बाय फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ये जो हेरोडोटस है इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो पीएससी से ये भी क्वेश्चन पूछता है वो इस फादर ऑफ हिस्ट्री को आपने ये नाम याद रखना है। तो वो पूछ रहा है कि हिस्ट्री रिटन बाय फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस वाज़, जो इसने हिस्ट्री पर बुक लिखी थी वो उसका मौजू क्या था, किसके मुतल्लिक था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वो वार के मुतल्लिक था और इसकी जो बुक का नाम था वो हिस्ट्री था और इसने के मुतालिक लिखा था। ये मैंने एक्स्ट्रा डिटेल लिखी है, पढ़ लीजिएगा आपके लिए कंसेप्चुअल बेस पे आपके लिए। व्हाट इज करैया, ऑप्शन ए अ फेमस अरेबियन सेंट, ऑप्शन बी अ फेमस अरेबियन पोएट्रेस एंड ऑप्शन सी अ ट्रीटी एंड ऑप्शन डी अ बैटल नॉट अटेंडेड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वो चंद जिसमें हुज़ूर ने सलाम ने शिरकत ना की हो, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो जंगें हुई लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, सहाबा किराम को भेजा, तो उसको हम सरैया कहते हैं। क्वेश्चन 55, चूज अ करेक्ट फ्रेजल वर्ड, द लैंप वेंट डैश एट वंस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए वेंट आउट। अपॉन द इंक्वायरी आई फाउंड आउट आई हैड डैश द कार, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये जो एड यूज हुआ है ये पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट के साथ हम हमेशा तक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। मिस्टेक की फर्स्ट फॉर्म होगी मिस्टेक, सेकंड फॉर्म मिसकुक एंड थर्ड फॉर्म मिस्टेकन। 57, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डैश डेंजरसली अ पर्सन लिव्स, डैश लाइकली ही और शी इज टू बी डाई एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, द मोर डेंजरसली अ पर्सन लिव्स द मोर लाइकली ही और शी इज टू डाई यंग। ये इंटरेक्ट स्पीच बनानी थी, तारिक सेड होरा आई हैव वन द मैच, तो करेक्ट ऑप्शन है जो हमारे पास वो है ऑप्शन ए, तारिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द मैच। क्वेश्चन 59, करेक्ट द बिलो गिवन सेंटेंस, इस पर नहीं गलत है, करेक्ट द बिलो गिवन सेंटेंस बाय टेकिंग अप द सूटेबल ऑप्शन वेयर रिक्वायर्ड, गो ऑन योर बिजनेस, आप सूटेबल ऑप्शन यूज करना था ऑप्शन ए गो अबाउट, ऑप्शन बी गो इन, ऑप्शन सी गो एंड ऑप्शन इन नंबर ऑफ दिस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गो अबाउट का मतलब होता है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना, जारी रखना, एंड गो इन का मतलब होता है किसी जगह पे दाखिल होना, एंड गो ऑफ इसकी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस फ्रेज की, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए गो अबाउट। कि आप ये व्हाट्सएप स्टेटस सर्विस है, अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो होने वाला नंबर अपने पास MSCK Academy के नाम से सेव कर लें और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपके पास शो हो रहा होगा, इसे ओपन करके फिल कर दें तो आपको इंशाल्लाह विदिन 7 to 10 days व्हाट्सएप स्टेटस मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपने पास नंबर लाजमी सेव कीजिएगा MSCK Academy के नाम से, स्टूडेंट्स क्या करते हैं फॉर्म तो फिल किए जाते हैं लेकिन नंबर अपने पास सेव नहीं करते जिसकी वजह से उन्हें स्टेटस शो नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 16, वी ट्राई टू टाइड डैश अवर डिफिकल्टीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वी ट्राई टू टाइड अवर डिफिकल्टीज, ये अगर आप ये जो मैं आपके सामने पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ अगर आप इसको PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका ये पासवर्ड नंबर 1 है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसमें पासवर्ड लगाकर वीडियो ये वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हो इसका पावर पॉइंट PPT फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये पासवर्ड नंबर 1 है, रिमेनिंग पार्ट्स आपके साथ आगे शेयर कर दिए जाएंगे। MSCK Academy, ये हमारी अकेडमी का नाम है, पासवर्ड नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द करेक्ट यूजेज ऑफ पंक्चुएशन साइन, माय हाउस इज मच लार्जर देन, ऑप्शन ए यूज ये
ऑप्शन बी योज एपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद एंड ऑप्शन सी योज विदाउट एपोस्ट्रोफी कॉमा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी योज. Employed in this department are with dash close relation with each other and option A is correct. Maintain. Maintains नहीं आएगा, as नहीं आएगा, even भी नहीं आएगा. Question number 63. What dash to drink? Tea or coffee? You would like, would you like, who would like, or would you like? And the correct option is option B. Would you like? What would you like to drink? Tea or coffee? ये डेरोगेटिव सेंटेंस है. डेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम एक्टिव वर्ब को स्टार्ट कर लाते हैं, तो इसके नीचे ना ये काफ़ी लंबी बहस शुरू हो जाएगी, तो लोग सिर्फ एमसीक्यूज ही शुरू करते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ. क्वेश्चन नंबर 64. करेक्शन, आई एम वेरी ओब्लाइज टू हिम, मैनी ओब्लाइज, मच ओब्लाइज, सो ओब्लाइज, आर नॉट इन नन ऑफ दीज. एंड ऑप्शन इज मच ओब्लाइज. आपने याद रखना है जब भी पहले डिग्री होगी ना किसी भी जुमले में, यानी कि राबिया इज वेरी ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे वेरी लगा क्योंकि पहले डिग्री है. इसी तरह जब तीसरी डिग्री इस्तेमाल होगी तो उसके साथ भी हम वेरी यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल शी इज वेरी बोर्ड, शी इज दी, शी वाज वेरी फ्राइटेंड. जब अब हमने यहाँ पे ये नहीं लगाया कि मच नहीं लगाया, हमने लगाया शी वॉज वेरी फ्राइटेंड. अगर यहाँ पर क्योंकि फ्राइटेंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो या थर्ड डिग्री हो तो हम वेरी लगाते हैं, लेकिन जो सेकंड फॉर्म ऑफ डिग्री होती है उसके साथ हम मच लगाते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह के शी इज मच ओल्डर देन आई, हम ये नहीं कहेंगे शी इज वेरी ओल्डर, क्योंकि ओल्डर सेकेंड डिग्री है, तो इसके साथ हम कहेंगे शी इज मच ओल्डर देन आई. अगर हम ये कहेंगे शी इज वेरी ओल्डर देन आई तो ये गलत होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि तीसरी डिग्री या तीसरी फॉर्म ऑफ वर्क के साथ हम वेरी लगाएंगे, लेकिन अगर तीसरी फॉर्म ऑफ वर्क को हम पैसिव में हो, पैसिव वाइज हो, एक्टिव वाइज ना हो, पैसिव वाइज हो, आप इसके लिए ये समझ रहे हैं कि आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आना चाहिए. जिस तरह ये पैसिव वाइज जुमला है, आई एम वेरी ओब्लाइज टू हिम, क्योंकि ये थर्ड डिग्री तो यूज हुई है लेकिन ये पैसिव वाइज है. जब ये पैसिव वाइज है तो पैसिव वाइज की सूरत में हम थर्ड डिग्री के साथ भी मच ही लगाते हैं, तो यहाँ पर मच ओब्लाइज्ड करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 65. एंटरिंग एनॉर्मस, ऑप्शन ए फ्रेजाइल, ऑप्शन बी वीव, ऑप्शन सी टाइनी एंड ऑप्शन डी सॉफ्ट. एंड द करेक्ट, एनॉर्मस कहते हैं जो बहुत बड़ा हो, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया टाइनी, जो इसका ऑपोजिट बनता है. ऑप्शन नंबर 66. सिनोनिम ऑफ इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है कन्वेयर. ये एनालॉजी फिल करनी थी सेम सेंस में, कूलनेस, अगर कूलनेस से मैच बनता हो तो फिर जो हमारे पास करेक्ट होगी इसका आंसर होगा वो होगा वार्म्थ डे. ये मैंने इसका नीचे लॉजिक भी लिखे, ये पढ़ने आओ. द न्यू इंफॉर्मेशन ऑन डेंगू वायरस कॉज पैनिक इन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट. ऑप्शन इज लाइक, ऑप्शन डी लाइक नहीं, ऑप्शन सी अनलाइक, ऑप्शन सी डिसलाइक एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अलाइक. इसकी भी ये मैंने नीचे रीजन लिखी है, ये पढ़ने आपको एमसीक्यूज की समझ लग जाएगी. क्वेश्चन 69. वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा इज 60%, 70%, 80% और 90%. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 90%. इसकी भी ये नीचे डिटेल लिखी है, ये पढ़िएगा आपके नॉलेज में एडिशन होगा. क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मेनी न्यू स्पोर्ट्स वर एडेड टू द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स. तो टोक्यो ओलंपिक्स में चार खेलें नई स्पोर्ट्स एड हुई थी, उसकी डिटेल ये मैंने नीचे लिखी है, आप स्टडी कर रहे हैं इसे. क्वेश्चन नंबर, ये पासवर्ड नंबर 2, अगर आप इसका क्रिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, जो मैंने पासवर्ड पहले बताया और ये बताया जो आगे बताऊंगा, आपने सब इकट्ठे करके लिखने हैं और इससे आप PDF डाउनलोड कर लेंगे इस पेपर का. क्वेश्चन नंबर 71. विच स्पोर्ट्स वाज परफॉर्म बाय द लेजेंड मोहम्मद अली. मोहम्मद अली बॉक्सिंग की वजह से फेमस थे, ये अमेरिकन बॉक्सर थे जो बाद में मुसलमान हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 72. डैश इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ डिलीटेड फाइल. जब हम कोई फाइल कंप्यूटर में डिलीट करें तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएगी, डेस्कटॉप पे जाएगी, डाउनलोड फोल्डर में जाएगी, यूजर फोल्डर में जाएगी, या इसमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन में ठीक नहीं है. जैसे ही हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकलिंग में जाती है. क्वेश्चन नंबर 73. अ सेट ऑफ पॉसिबल डाटा वैल्यूज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए डोमेन, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी ट्यूपल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए डोमेन. क्वेश्चन नंबर 74. डैश बटन इज यूज्ड टू गो टू द डिफरेंट स्लाइड, a file, a website and a sound. And the option D is correct here. Action button is used to go different slides, files, websites, etc. Question number 75. Which of the following is not an operating system?
ये जो ए से लेकर सी तक कितने भी ऑप्शन है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो ओरेकल है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डबल टॉप के लिए जो ऑप्शन थी ओरेकल, ये स्पेलिंग गलत है, इसे इग्नोर कर दीजिएगा। वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल, अब जो कंप्यूटर माउस होता है हम उसे सरफेस के ऊपर या जिस टेबल के ऊपर चला रहे होते हैं हम उसके ऊपर मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये मूव करता है। लेकिन इससे पहले हम ट्रैकमन यूज करते थे। ट्रैकमन क्या करता था, क्या ट्रैकमन को भी हम उसी तरह ही मूव करते थे? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन, वो मूव नहीं था करता, एक ही जगह रुका रहता। डिफिकल्टी मूव से यूज करना मुश्किल होता था। ड्रैग, हम ट्रैक करते थे उसे, या ऑप्शन डी मूव इन स्मॉल स्टेप। तो ये आपके सामने ट्रैक बार की मैंने तस्वीर लिखेंगे, एक ही जगह हम रखते थे। तो इसके अंदर ये बोल लगा होता था, इस बोल के अंदर ही हम कर्सर को जो स्क्रीन था उसको कंट्रोल करते थे। लिहाजा स्टेशनरी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ट्रैक बार को हम साकिन रहता था, मूव नहीं था करता, उसको एक ही जगह रखते थे, जबकि माउस जो है मूव अवर द टेबल सर्फेस। क्वेश्चन नंबर 77, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैथ का अगर एक्सप्लेन करने बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम ये ले लेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 78 है, ये मैंने सॉल्व करके लिख दिया है। हाउ मेनी पीसीज ऑफ 13.2 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द 33 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड, उसका 45 आएगा जब हम 330 को 13.2 पर तकसीम कर देंगे। 79, I'm stopping there for 10 seconds, so you may take the screenshot. Question number 18, ये एक ड्रम थी, इसको सॉल्व करना था। अगर 2² + 1 = 5 हो, 3² + 2 = 10 हो, तो इसी तरह चल रही है, तो 8 नंबर पर कौन सा नंबर आएगा? तो ये इसका था, इसका ये मैंने सोल्यूशन भी आपके लिए लिख दिया है, आप अब इसको स्टडी करने द रोड पर। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखी है, एंड लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो रहा है ऑप्शन बी, और ये सोर्स ऑफ क्वेश्चन है पीपीएससी ने, अब ये नई वेबसाइट से मैथ के क्वेश्चन लेने शुरू कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ये भी आप देख रहे हैं, इसका मैंने आंसर लिख दिया आपके लिए, उसका भी आप स्क्रीन पर लेना चाहे तो ले सकते हैं। इफ वन एंगल ऑफ parallelogram is 24 degree less than twice the smallest angle, then the largest angle of the parallelogram is option C, correct. Question number 82, ये भी विद सॉल्यूशन, ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड था, प्रीमियम पॉलिसी उसकी देखनी थी। कह रहे थे अगर इसकी जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है 5 लाख रुपए है, उसकी जो एनुअल प्रीमियम है इस 4.5% किसका होगा, 5 लाख का उसका पॉलिसी टोटल अमाउंट। Whereas the policy fee है जो वो 0.25% है, तो उसका annual premium हमने फाइट करना था, ये मैंने solution लिख दिया है। तो correct answer है वो हमारे पास 23,750 है। ये भी बहुत मैथमेटिक्स की एक वेबसाइट है, वहाँ से क्वेश्चन लिया। In how many ways 4 boys and 3 girls can be seated in a row that they are alternate? 4 boys और 3 लड़कियों 3 girls को किस तरह बिठाए, कितने पॉसिबल वेज में बिठाया जा सकता है? अगर इसको तो बहुत लंबा करकर सॉल्व नहीं करना है आपको, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। कितने बॉयज है, 4 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी है, 3 है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 12, 12 का स्क्वायर लेने तो आ जाएगा 144, लिहाजा 144 करेक्ट आंसर है। पेपर में इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा इसको, क्योंकि मैनुअल तरीके से 2-3 सवालों का सॉल्व करें, तो इसलिए ट्रिक के थ्रू ही मैथ किया करें, ये नहीं आपके लिए सूटेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, द फेसबुक डिप्लोमेसी वाज क्वाइंड इन, अब जो फेसबुक थी ना वो 2004 में बनी थी, लेकिन यहाँ पर वो फेसबुक का नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है फेसबुक डिप्लोमेसी ये टर्म है, ये क्वाइंड, ये किस वक्त कब क्वाइंड हुई थी, ये 2008 में क्वाइंड हुई थी। फेसबुक डिप्लोमेसी टर्म है क्या, ये एक ये होता है कि ये रेफर टू द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके हम डिप्लोमेसी करें, इंगेज विद ग्लोबल ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑडियंस ऑडियंस को अपने साथ इंगेज करें, एंड मैनेज इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि यूजिंग सोशल मीडिया टूल्स। ये 2008 में क्वाइट हुई थी और फेसबुक 2004 में बनी थी, एंड क्वाइट बाई एक जर्नलिस्ट है राणा फौकार, उन्होंने ये टर्म क्वाइट की थी। मेरी ओपिनियन में इसका आंसर 2008 बन रहा है, क्योंकि उसने फेसबुक का नहीं पूछा कि फेसबुक का बनी है, वो फेसबुक डिप्लोमेसी का पूछता है। अगर आप चाहें तो मेरे आंसर से इख्तलाफ कर सकते हैं, बट इन माई ओपिनियन 2008। क्वेश्चन नंबर 85, द लार्ज पार्ट ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग
तो मैंने इसे सर्च किया है तो मुझे सेवन कॉमन ऐसे ही इस तरह से मिला है। इसके बारे में मैं डाउटफुल हूँ इसके आंसर के बारे में, तो अगर आपको इसका बस कंफर्म हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 86, प्रेसिडेंट जेम्स मुनरो अनाउंस द मुनरो डॉक्ट्राइन। तो मुनरो डॉक्ट्राइन 1823 में प्रेसिडेंट जेम्स मुनरो ने अनाउंस किया था, और ये है क्या था? ये थे यूएसए ने यूके को वार्न किया था कि वो कोलोनाइजेशन मजीद ना करे, अगर उसने किया तो इसको यूएस से अपनी सालमियत पर हमला समझेगा। बस ये पासवर्ड नंबर 3 है, आपने सारे पासवर्ड को ऐसे इकट्ठे मिलाकर लिखनी है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इससे जो ये भी पूछा जाता है ना कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था, टोक्यो का पुराना नाम इडो था, और टोक्यो से पहले जो जापान का कैपिटल था वो था क्योटो। ये तीन क्वेश्चन भी पीपीएससी बार बार रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 88, द नेम ऑफ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन। दुनिया की तीसरी माउंटेन, सबसे बड़ी माउंटेन कौन सी है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंचनजंगा। ये इंडिया और नेपाल के दरमियान में वाकया है, और ये हिमालय माउंटेन रेंज के अंदर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज बेरूत का कैपिटल। बेरूत किस मुल्क का कैपिटल है? ये लेबनान का कैपिटल है, और आप जाते हैं लेबनान में कुछ साल कबल धमाके हुए थे बहुत शदीद, उसकी डेट देखें तब कब थे, ये भी एक्सपेक्टेड है कि पूछ सकते हैं। एफपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। पहले उसमें दुनिया की तीसरी बड़ी पूछा था कि पीक कौन सी है, अब पूछ रहा है कि अफ्रीका के 15 नंबर की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, तो इन माउंट किलिमंजारो है। तो ये 90 क्वेश्चन थे जो अभी तक मैं कंपाइल कर पाया, तो यहाँ पे आज हमारा लेबर ऑफिसर का पेपर कंप्लीट हुआ। तो अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस, सॉल्व पेपर्स, जीके ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स, इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।